हेलो दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हैं ये पैनासोनिक का मिक्सर है, तो इसको हम पूरा रिपेयर करने वाला है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल करने वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम स्विच को कर देते हैं ऑन एंड चेक करते हैं कि बटन वर्क में है या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने बटन प्रेस किया है लेकिन ये मिक्सी वर्क नहीं हो रहा है। तो एक बार देख लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हम स्विच को निकाल देंगे एंड बटन को कर देंगे ऑफ़ एंड मिक्सी को कर देंगे उल्टा। जो इसमें स्क्रू वगैरह है इसको सबसे पहले फटाफट से खोलेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 स्क्रू आते हैं टोटल। तो जल्दी से स्क्रू को फटाफट से खोल देते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगा एंड आप ज़रूर आपका मिक्सी ठीक कर पाएंगे। एंड अगर आपका मिक्सी अदर ब्रांड का है तो उसका भी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड उसका अगर और भी ब्रांड का मिक्सी है आपके पास तो उसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बना लूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम मिक्सी को अभी देख सकते हैं खुला हुआ है एंड इसमें सबसे पहले जो ओवरलोड बटन होता है इसको सबसे पहले जो दोनों वायर है इसको खोल देंगे, यानी कि अलग कर देंगे वायर को, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो इसी की आती है। आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल लूँगा वायर, दोनों वायर को। एंड फिर क्या करना है, दोनों वायर को जॉइंट कर लेना है। एक देख सकते हैं टेक्निक ब्रांड का है ओवरलोड स्विच। अगर आपको ये चला गया है तो इसको बाई करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देख सकते हैं मैंने वायर को जॉइंट कर लिया। अब मिक्सी को वापस सीधा कर लेंगे एंड प्लग इन कर देंगे। पहले जार को लॉक कर देते हैं लॉक, क्योंकि ये लॉकिंग सिस्टम है। तो जार को कर दिया हमने लॉक एंड देन इसको प्लग इन कर देंगे। देख सकते हैं ढक्कन भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप मिक्सी ठीक करो इस तरह से अपने घर में तो थोड़ा बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं मैंने प्लग इन कर दिया है एंड स्विच ऑन, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, वापस जो है जार को निकाल देंगे एंड स्विच को कर देंगे ऑफ, स्विच को प्लग को निकाल देंगे एंड मिक्सी को वापस उल्टा कर देंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है अब मुझे लगता है कि लॉकिंग की लग रही है। इसमें टोटल 3 प्रॉब्लम आती है, या तो स्विच की, या फिर लॉकिंग सिस्टम की, या फिर कार्बन प्लेट की। तो ज़्यादातर दो ही की प्रॉब्लम आती है, या ऑलआउट स्विच या लॉकिंग की। तो लॉकिंग एक बार देख लेंगे। देख सकते हैं मैंने दो ब्लैक वायर को पकड़ा है एंड देख सकते हैं ये है लॉकिंग जहाँ पे मैंने उंगली रखी थी। इसमें दोनों कॉर्नर पे ब्लैक ब्लैक वायर है जिसको हम जॉइंट करना है, बस सिंपल। तो पूरा बताएंगे किस तरह से करना है। तो देख सकते हैं ये दो वायर है, इसको जॉइंट करना है, या आप कट कर भी कर सकते हैं। कटर की मदद से मैं इसको फाइल कर लूँगा, मैं कट नहीं करूँगा ऐसे ही फाइल कर लूँगा। देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा बहुत फाइल कर लिया है, यानी कि फाइल करके पीस को जॉइंट कर लेंगे। दोनों वायर को जॉइंट कर लिया है, जॉइंट करने के बाद मिक्सी को वापस सीधा कर लेंगे। सीधा करके स्विच को करना ऑन एंड देख सकते हैं ये डायरेक्ट वर्क होगी, यानी कि मैंने लॉकिंग को डायरेक्ट कर दिया है। अभी ये लॉकिंग काम नहीं करेगा, अभी जैसे नॉर्मल मिक्सी आता है वैसे ही ये वर्क करेगा। इसमें जार आप विदाउट डाले हुए भी वर्क करेगा, अगर डालेंगे तो भी वर्क करेगा, यानी कि नॉर्मल मिक्सी जैसा हो गया है। अब जो वायर हमने जॉइंट किया था वहाँ पे हम टेप लगा देंगे ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसको मैंने इधर टेप लगा दिया है एंड अब क्या करेंगे, जो हमने ओवरलोड चूज का जो ये वायर जॉइंट किया था इसको वापस, अगर ये ख़राब है ओवरलोड तो नया डाल दीजिए, अदरवाइज़ ये सेम टू सेम डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये ख़राब नहीं है तो इसको वापस डाल देंगे ऐसा कैसा। देख सकते हैं हम ओवरलोड चेक कर लेंगे एक बार कि ओवरलोड सही है या नहीं।
तो ओवरलोड हमारा सही है क्योंकि मिक्सी जो है काम कर रही है। तो हम ओवरलोड को अपनी जगह पे फिट कर लेंगे एंड फटाफट जो वायर है उसको हम सही कर देंगे, क्योंकि वायर जब स्क्रू टाइट करेंगे तो बीच में नहीं अड़ना चाहिए वायर। तो अब इसका जो ऊपर का जो बैक का कवर है इसको हम फिट कर लेंगे एंड उसके बाद में जो स्क्रू है वो टाइट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्क्रू है इसमें टोटल। तो इसको फटाफट स्क्रू एंड अभी जल्दी से जल्दी टाइट कर देंगे एंड एक बार और चेक करके बताएंगे कि मिक्सर भी एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है एंड अभी इसको प्लग इन करेंगे एंड देख सकते हैं मिक्सी एकदम बराबर से वर्क कर रहा है। तो अब एक बार जार को चेक करके देख लेंगे कि जार अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है नहीं। तो जार को कर देंगे परफेक्ट लॉक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड देख सकते हैं जार भी एकदम अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे में अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।